गुरु ग्रंथ साहिब मालक जी साडे जागदे गुरु ने, जिन्हां दे बारे असीं पढ़दे हां कि सतगुर जागता है देओ, गुरु मेरा जागदा है। गुरु नूं सुनाउण वाला कोई चाहीदा है ते गुरु बेनतियां सुनदा है। गुरु जी नाल कोई गल्लां करन वाला चाहीदा है ते गुरु जी गल्लां भी करदे है। जिन्नी कोई भावना रख के गुरु ग्रंथ साहिब मालक नूं ध्योंदा आ, आराधदा आ, सिमरदा आ, जिन्ना कोई गुरु ग्रंथ साहिब मालक ते भरोसा रखदा गुरु ग्रंथ साहिब मालक उन्नियां उन्हां दियां झोलियां भर देंदे आ। करतारी नाम की एक बीबी है जो हिंदू परिवार के नाल संबंधित है। व्याह होए नूं 10 साल हो गए ते घर दे विच कोई धी कोई पुत नहीं होया। बड़ा अंदर दा एक कह लो कि चाह हुंदा है कि मेरी भी कुखो कोई धी पुत दा जन्म होवे जो मैनू माँ कवे, मेरे वेड़े दी रौनक बने। पर उस रब नूं पता नहीं की मंजूर सीगा कि 10 साल हो गए घर विच ना धी दा जन्म होया ते ना पुत दा जन्म होया। दुनिया दी कोई भी ऐसा अस्थान नहीं सीगा जिथे जाके उस करतारी ने नक नहीं रगड़िया होवे। धी पुत वास्ते बंदा बहुत कुछ करदा, जिथे उहनूं किसी ने कहना कि फलानी थां ते मत्था टेकिया उहने चले जाणा, फलानी थां ते जाके भाई प्रसाद करा के आ उहने करे आउणा। 10 साल जिंदगी दे लंघ गए, बड़ियां थावां ते मत्था टेकिया पर रब दे घर दे विच पुकार हाले तक सुनी ना गई, हाले तक किसी ने उह पुकार नहीं सुनी। परमात्मा दी खेड इह वापरी, संगत जी ध्यान दिओ, परमात्मा दी खेड इह वापरी कि उहदे गवांढ दे विच इक सिख भाईचारे दा परिवार रहिंदा सीगा। उस भाई साहब ने ना बीबी करतारी नूं कहा कि गुरु नानक तेरियां झोलियां भरेगा, गुरु ग्रंथ साहिब मालक दी तेरियां झोलियां भरनगे, तू अपने जीवन विच एक काम करना शुरू कर दे कि अमृत वेले गुरु घर जाया कर ते गुरु घर जाके बाणी सुनिया कर, बाणी पढ़िया कर ते सेवा करिया कर। हुण मन विच चाह सीगा कि भाई मैनू धी पुत चाहीदा आ, बड़ियां थावां ते नक रगड़े आ, एक आ दर रह गया ते इत्थे भी नक रगड़ के देख लवां। रोज करतारी ने जाना जी, कदे भांडिया की सेवा करनी, कदे लंगरा की सेवा करनी, बाणी पढ़नी, बजनीक आउंदी है बाणी सुननी बैठ के। लम्मा समा हो गया, कई महीने हो गया करतारी नू गुरु ग्रंथ साहिब मालक जी दे चरणा च बैठ के बाणी पढ़ते, बाणी सुनते, सेवा करते। एक दिन अज सेवा कर दी ना, करतारी दे मन विच आया कि अज अरदास करन लगे आ, भाई साहब मैं अरदास विच शामिल होवां जाके, जिवें आपणे भी मन च हुंदा आ। करतारी अरदास विच आके शामिल होई, अरदास तों बाद जदों भाई साहब उहनां ने हुक्म लिता, गुरु ग्रंथ साहिब मालक दीआं पंक्तियां पढ़ियां, उह पंक्तियां सन दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रकी रती करतारी ने। जदों ये लफ्ज करतारी ने सुनिया ना जी, उठ के बहुत खुशी दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब मालक दा शुकराना करदे हुए उच्ची उच्ची बोलन लग पई कि मेरी निमाणी दी अरदास अज गुरु ने सुन ली है ते गुरु ने मैनू कह दिता आ कि अकाल पुरख वाहिगुरु तेनू चार पुत्रा दी दात देगा। बड़े हैरान सारे लोग, गुरु ग्रंथ साहिब मालक कदों बोले आ भाई तू झूठ बोलदी है। वो कहिंदे नहीं, तुसीं शायद ये गल सुनी नहीं है कि दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रती करतारी ने, ये गुरु ने कह दिता कि जा करतारी तेरे घर दे विच चार पुत्र होणगे ते चारे पुत्रा दे नाम एक दा दर्शन रख दी, एक दा परसन रख दी, एक दा सरसन रख दी ते एक दा हरसन रख दी। एडा विश्वास गुरु ते, एडा भरोसा गुरु ते, गुरु ते भरोसा करके करतारी रोज सेवा करदी रही।
परमात्मा ने खेड ऐसी वरताई कि साल बाद घर दे विच पहले पुत्र दा जन्म होया जिदा नाम इन्हें दर्शन रखिया। अगले साल फिर पुत्र होया। लगातार चार साल दे विच गुरु नानक ने बख्शिश की, धन गुरु ग्रंथ साहिब मालिक ने बख्शिश की, जिदी झोली दे विच दस साल तो कोई औलाद नहीं पई, गुरु ग्रंथ साहिब मालिक ने चार साल दे विच उहदी झोली विच चार पुत्र पा दिते। मालिक दे घर दे संगत जी, जदों असीं भरोसा करके बैठांगे, अरदास करांगे बड़े प्यार बड़ी निम्रता नाल, जो गुरु ते भरोसा करांगे, गुरु ग्रंथ साहिब मालिक साडियां बेनतियां सुनदे आ, ते गुरु बेनतियां सुन के साडियां बेनतियां नूं भाग ला के मालिक साडियां झोलियां भी भरदे आ। ये जिहड़ी सारी घटना है ना जी, ये करतारी दा वड्डा पुत्र दर्शन सिंह उन्हें सुनाई सी कि मेरी माँ दे नाल ये गुरु ग्रंथ साहिब मालिक ने करामात की सी, जिस मेरी माँ नूं दस साल तो कितों भाग नहीं लग्या, उस मेरी माँ नूं निमाणी नूं उस मेरी माँ नूं गुरु ग्रंथ साहिब मालिक ने भाग लाए सन। अज चारे भरा सी गुरु ग्रंथ साहिब मालिक की कृपा दे नाल सैट आ, साडे कारोबार चंगे आ, साडे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब मालिक की पूरी कृपा आ। मेरा कहिंदा भाव संगत जी ये है, कल्ला गुरु नूं मत्था टेक के ना मुड़ जाया करो, गुरु ते विश्वास रखियो। जिद्दण गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी नूं असी ए सोच के मत्था टेकन लग पए कि गुरु ग्रंथ साहिब मालिक साडे लई रब है, ते उदण याद रखो साडियां खाली झोलियां भरनियां शुरू हो जाणियां। जिन्ना कोई विश्वास रखेगा, जिन्ना कोई भरोसा रखेगा, गुरु उन्नी झोलियां भरनगे, गुरु उन्ना भाग लाउणगे।